हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 5th करने वाले हैं जिसका नाम है योगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हम तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3rd पार्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आसन प्राणायाम मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आसन की। आसन का अर्थ क्या है? द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड आसन। एक आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ है कि हम एक अवस्था में सिंपली अपने आप कंफर्टेबली फील कराते हुए कितने लंबे समय तक मैं उस अवस्था के अंदर रह सकता हूँ, उस पोजिशन के अंदर मैं रह सकता हूँ, वो है आसन। अच्छा, अगर इसको और थोड़ा डिफाइन किया जाए, इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजिशंस इन सच अ वे दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड ऑफ अ बॉडी बिकम्स मोर इफिशियंट एंड फाइनली इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो आसन का अगर अर्थ समझा जाए तो आसन क्या है? हम अपनी बॉडी को वेरियस पोजिशंस के अंदर डालते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम शीर्षासन करते हैं जिसके हम सर के बल खड़े होते हैं, फिर हम मयूर आसन करते हैं। तो कई सारे ऐसे आसन हैं जो हम करते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है, वो हम अलग अलग पोजिशन में इसलिए जाते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो है वो और एफिशिएंटली एक्टिवेट हो पाए, वहाँ तक उनका ब्लड सप्लाई उतना अच्छा पहुँचे। तो जब हम आसन को परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड जो है बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी जो बॉडी है उसकी भी हेल्थ इंप्रूव होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, यानी हमने आसन को किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आसन जो है वो 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है, जिसका पहला हिस्सा है मेडिटेटिव आसन, सेकंड है रिलैक्सेटिव आसन, थर्ड है इसके अंदर कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिटेटिव आसन की। तो जो मेडिटेटिव आसन होते हैं, दीज आसन एनहेंसेस मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी अगर एक पर्सन मेडिटेशन करना चाहता है तो उसको मेडिटेटिव आसन करने चाहिए। मेडिटेशन से पहले मेडिटेटिव आसन करे जो उसकी मेडिटेटिव पावर को बढ़ाएगा। इसके अंदर हम कौन से आसन कर सकते हैं? तो उसके एग्जांपल है पद्मासन और दूसरा है वीर आसन। अगर ये दोनों आसन के किया जाए तो हमारी मेडिटेटिव पावर, मेडिटेशन की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बात करते हैं रिलैक्सेटिव आसन्स की। रिलैक्सेटिव आसन्स क्या होते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग दीज आसन्स वन कैन रिमूव फटीग एंड रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली। यानी इन आसन को अगर हम करें तो हमारी जो थकान है शरीर की, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हमारी बॉडी की हो, चाहे वो हमारे दिमाग की या मन की थकान हो, मेंटली हो, ठीक है, उन सारी थकानों को हम आसन के थ्रू दूर कर सकते हैं। उसके एग्जांपल है फर्स्ट मकर आसन, सेकंड शवासन। शवासन क्या होता है? जिसके अंदर हम पूरा लेट के अपनी बॉडी को रिलैक्स करते थे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कल्चरल और करेक्टिव आसन। कल्चरल और करेक्टिव आसन क्या होते हैं? ये वो आसन है जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को और सिस्टमाइज करते हैं हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो अच्छी तरीके से। तो जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो सिस्टमाइज करने का जो मैकेनिज्म है, ये सारा जब काम किया जाता है तो ये करेक्टिव आसन के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हमारी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होगा, उनको करेक्ट किया जाएगा, हमारी बॉडी का प्रॉपर फॉर्म, उसका फिजिक ठीक किया जाएगा, ठीक है, उसका पोस्चर ठीक किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होगी? तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा हलासन, और दूसरा हम कर सकते हैं चक्र आसन, और कर सकते हैं इसके अलावा मयूर आसन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सेकेंड पार्ट की, जिसके अंदर है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है, उसका क्या अर्थ है? तो अगर प्राणायाम का मतलब समझा जाए तो मैं इसको वर्ड को 2 हिस्सों के अंदर बांट देता हूँ। पहला वर्ड है प्राण, यानी हिंदी इंग्लिश में एक ना एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं हिंदी वर्ड्स के आगे, असली में इसका हिंदी वर्ड जो है वो है प्राण, और दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है आयाम। ठीक है,
तो प्राण का अर्थ क्या होता है, लाइफ फोर्स, जो हमारे अंदर जीवन है, ठीक है, वो है हमारे प्राण। और जो आयाम है उस शब्द का अर्थ है कंट्रोल, कि हम कैसा कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो प्राणायाम, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को जोड़ूं, प्राण और आयाम, यानी हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन का एग्जिस्टेंस है और उसके ऊपर का कंट्रोल, तो अगर इसको जोड़ के मतलब बनाया जाए तो प्राणायाम का मतलब क्या है। प्राणायाम का मतलब निकलता है द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, ठीक है, हम अपने प्राणों को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उसका रेगुलेशन करते हैं, तो वही प्राणायाम है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और थोड़ा डीप में प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक का नाम है पूरक, सेकंड है रेचक, थर्ड है कुंभक, ठीक है। पूरक का मतलब क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी हम कैसे जो सांस अंदर खींचते हैं, अंदर अपने शरीर के अंदर सांस डालना, दैट इज पूरक, ठीक है। रेचक का मतलब है एक्सहेलेशन, कि हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं अपने शरीर से, दैट इज एक्सहेल करना, अपने सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। और कुंभक का मतलब है रिटेनिंग ब्रीदिंग, ठीक है, यानी हम अपनी सांस को जो रोक के रखते हैं अपने अंदर, तो वो है कुंभक। तो प्राणायाम के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करी जाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और रिटेंशन ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीजें मिला के प्राणायाम बनती है। और बात करते हैं मेडिटेशन की, ठीक है। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन का अगर अर्थ समझा जाए तो द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और एन इम्पल्स विदाउट एन डाइवर्ज इज कॉल्ड ध्यान। तो मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान बोला जाता है। ध्यान का अर्थ क्या है, मैं अपने दिमाग को इस तरह से केंद्रित करूं कि मुझे किसी भी डाइवर्जन से कोई फर्क ना पड़े, तो ही मैं ध्यान लगा रहा हूं। मैं बोला अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस कर रहा हूं कि आसपास जो क्या हो रहा है मुझे उसका कोई फर्क नहीं पता चल रहा। तो ध्यान क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कि तुम एक चीज के ऊपर कितना फोकस करते, ठीक है। When an individual attains such concentration that whenever he or she thinks or imagine, start seeing them clearly is the stage of ध्यान। Last बात करते हैं शुद्धि क्रियास की। तो शुद्धि क्रियास क्या होता है, द मीनिंग ऑफ शुद्धि क्रियास, शुद्धि क्रियास को योगिक क्रियास भी बोला जाता है, द इनर क्लीनिंगनेस ऑफ आवर बॉडी डन बाय शुद्धि क्रियास, जो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करना, अपने अंदर की शुद्धिकरण को करना, वो होता है शुद्धि क्रियास, जिसको अगेन मैं बोल रहा हूँ योगिक क्रियास भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, हम अंदर को क्लीन कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ प्रॉपर फॉर्म्स है इसको दूर करने के लिए, जैसे एग्जांपल्स है कुछ उसके, नेति, धोती, बस्ती, नलुई, ठीक है। नेति के अंदर जो वो एक बहुत पॉपुलर इमेज भी है कि नाक के अंदर एक तरफ पानी डाल के दूसरी तरफ नॉस्ट्रिल से निकालना, ठीक है, नाक के एक छेद से पानी डाल के दूसरे छेद्र से निकालना, तो ये किया जाता है ताकि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सुधरे, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके हैं अपने आप को शुद्ध करने से अंदर हमारे इंटरनली ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो सारा चीज कवर होता है हमारे शुद्धि क्रियास या योगिक क्रियास के अंदर। थैंक यू सो मच।